प्रिंसिपल मैच का क्या कहना चाहेंगे? क्या समझे नहीं सर? क्या कहना चाहेंगे मैच के बारे में? आज काफी मुश्किल सा था। हमने तो पूरा जोर लगाया ना भाई, 100% दिया। नहीं जी, इसके कबड्डी है भाई, अगले मैच में कोशिश करें। एक मैच जीत रहे, एक मैच हार रहे, वो कंसिस्टेंसी के लिए आप? मैं तो कहता हूँ इसमें ज़्यादा मजा है, एक जीत रहे हो एक हार रहे हो, कंटिन्यू जीतेंगे तो शायद लास्ट में हारते हैं ज़्यादा दुख आता है। एक हार जाए एक जीत जाए उसमें भी ठीक है, ये गलत है भाई? ठीक है, ठीक है। इस सीजन में आपको क्या लगता है कि डिफेंस में ज़्यादा फोकस है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, रेडर भी बहुत है, डिफेंडर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको मैच देखना पड़ेगा किसके साथ है ना, सिचुएशन क्या है। अब उसको कोई नहीं समझना चाहता तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप खाली टॉर्च लेके रास्ता दिखा सकता है, कुछ प्लानिंग कर सकता है, स्ट्रेटजी बना सकता है, चलना होता है टीम को, प्लेयर को। वो क्या कारण है क्या नहीं उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। किस चीज़ पे हैवी रही? खेल में किस चीज़ में? रेडिंग में, डिफेंस में, ऑफेंस में? स्टार्टिंग से नहीं, स्टार्टिंग आपने स्टार्ट चक्कर था लेकिन फिर वापस से पिंक पैंथर का बात। देखो काफ़ी अच्छी टीम है पिंक पैंथर भी, और आप जैसे कह रहे हो उन्होंने सपोर्ट तो रहता ही है, जो जितना अच्छा सपोर्ट कर रहा है इनको इतना, काफ़ी अच्छी टीम भी है, तो उतार चढ़ाव तो होता रहता है। काफ़ी शुरू में हम पहले अच्छा कर रहे थे, बाद में हम थोड़ा हाँ इसका तो आ रहा है, ये ले ले। देखो होम ग्राउंड का तो सपोर्ट रहता है, पर वो टीम भी काफ़ी अच्छी है, पहले हमने भी अच्छा किया था, पर हमारा जो देसाई सुपर टैकल हो गया, फिर उसमें से भी थोड़ी गलती हो गई थी। ये तो कबड्डी है, होता रहता है उतार चढ़ाव दो, पर जो आप कह रहे हो होम ग्राउंड सपोर्ट तो वो तो बिल्कुल मिला है, और वो टीम भी लाजवाब उसका वो तो रहेंगे। हाँ बिल्कुल, हमने जो गलती करते हैं जैसे हम मैच हारते रहते जीतते रहते हैं, हम जीतते भी हम जो जीत मैच जीतते उनमें भी सीखते हैं, जो हारते उनमें भी सीखते हैं। कोच साहब जो हमें बताते हैं कि जहाँ मेरी कमी रहती है हम प्रैक्टिस में वो पूरा काम करते हैं, और हम मैच में वो पूरा ट्राई करते हैं कि हम पूरा अपना सोगा सो दें, पर मैच में गलती होती रहती है, चलता रहता है। मेरे को लगता है मैं दिल की बातें तो आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा, जो मेरे अंदर है वो प्रो कबड्डी खत्म होगी फिर बात करेंगे क्या है क्या नहीं है, बट हाँ वहाँ जाके फिर कोशिश करेंगे, प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, किस टीम के साथ मैच है उसके साथ जीतने की कोशिश करेंगे। हारना तो कोई भी नहीं चाहता, हर कोई जीतना चाहता है, बट ये कबड्डी है, आप सारे मैच तो नहीं जीत सकते ना, कुछ टीमें हैं जो सारे मैच जीतेंगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस लाइन में आए, अच्छा मैच खेलें, जीते। ओके ओके, सुनील बधाई हो, हर बार पूछते हैं फासला कम है, इस बार फासला बढ़ गया, शानदार गेम आज का। थैंक यू मैम, खुशी हमें भी है कि अपने ग्राउंड पर अनबीटन रहे हैं, आगे खेलने मजा आएगा लीग में, लेकिन अभी लीग खत्म नहीं हुई है, फाइनल तक का सफर पूरा करना है और ट्रॉफी को फिर से जीतना है। फासला मैडम हम सिर्फ जीत के लिए उतरते हैं, फासला एक दो पॉइंट का हो, 15-20 का हो, जीत के लिए उतरते हैं, लेकिन आज खुशी है कि टीम ने बहुत अच्छा किया है और 10 नंबर के मार्जिन से जीती है। जब जयपुर आए थे चौथे पायदान पर थे, यहाँ से जा रहे हैं पहले पायदान पे बने हुए, और चारों मैच यहाँ पर होम लेग में जीते हैं, अब इस पे किस तरह का मोरल अप हुआ है खिलाड़ियों का आपके साथ? बिल्कुल, टीम का मोरल पूरा अप है, अभी चारों के चारों मैच होम ग्राउंड पर जीते हैं, बहुत ही अच्छा टीम ने मैचेस खेले हैं, अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि स्टार्टिंग में जब जयपुर में आए थे तो सर अभिषेक बच्चन ने पीसी में बोला था कि हम कोशिश करेंगे कि 100% करें अपनी विन स्ट्राइक रेट अपने होम ग्राउंड पर, वो पूरा हुआ है, बहुत ही खुशी है, आगे भी ऐसे ही मैच खेलेंगे और लीग के अंत पे पूरा लगेगा। कोशिश करेंगे भाई, अभी लीग बाकी है, बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, कोशिश करेंगे कि खिताब को अपने पास ही रखें, और जो ग्राउंड में अच्छा करेगा वही जीतेगा।
कोच आपकी अनबीटन स्ट्रीक अब 10 हो गई है जो कि बहुत बड़ा नंबर है, तो प्लेयर्स को आप मैच से पहले क्या बोलते हो, उनको कैसे मोटिवेट करते हो या स्ट्रेटजी बोलते हो, क्या आपका मैसेज क्या होता है प्लेयर्स को? मैसेज यही होता है प्लेयर का, क्या नाम, हमें जीतना हर हालत में, और यहाँ जो क्या नाम जयपुर में हमें फैंस का काफ़ी प्यार मिला, पहले भी क्या नाम हमारी जो टीम यहाँ हुई है लीग मैच तो चारों मैच कभी नहीं जीतते, तो इससे क्या नाम काफ़ी हमें वो मिलेगा और टीम को एक विश्वास मिलेगा। तो ये आपको लगता है फैंस का इतना शोर टीम के लिए, ये आप लोगों को और मोटिवेट करता है कि अच्छा परफॉर्म करने के लिए? बिल्कुल मोटिवेट करता है सर, यहाँ पर 4 मैच हुए हम ग्राउंड में, फैंस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मैं मानता हूँ कि फैन के सपोर्ट से ही हम यहाँ पर जीते हैं, और अभी तो होम ग्राउंड पर मैच नहीं होंगे, लेकिन मैं जयपुर के फैंस को कहना चाहूँगा कि टीवी पर देखें, डिज़्नी प्लस और स्पोर्ट स्टार पर देखें, और अपनी टीम जयपुर पिंक पैंथर को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम विश्वास दिलाएंगे कि आगे भी अच्छा करेंगे और अपनी ट्रॉफी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सुनील, अब मैच के बाद अभिषेक बच्चन भी आपसे मिले हैं, पूरी टीम से मिले हैं, किस तरह की बातचीत हुई, क्या उन्होंने आप लोगों ने किया? मोटिवेट किया टीम को, बधाई दिया टीम को, होम ग्राउंड पर चारों के चारों मैच जीतने की बधाई दी है, सर अभिषेक बच्चन ने भी और सर बंटी वालिया ने भी, दोनों ने बधाई दी है, बोला बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन साथ में बोला कि अभी लीग खत्म नहीं हुई है, हमें और प्रैक्टिस करनी है, और ये जो ट्रॉफी हमारे पास है इसको अपने पास ही कुछ आगे रखना है। अगर आप देखें आज के मैच में, तो आज के मैच में आपको कैसे मतलब यंग प्लेयर्स में से कौन कौन है जो आपको लगते हैं कि जिनमें बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का? हम देख रहे हैं कि अर्जुन कितना अच्छा खेल रहा है, तो आपके हिसाब से टीम में कौन ऐसे यंग प्लेयर्स है जो आपको? सभी अच्छे हैं भाई, जो बाहर है जो खेल ही रहे हैं, अभी टीम में खेले तो साथ ही के वो कोच सब चूज करते हैं कि कौन बेस्ट है, कौन सी टीम के सामने कौन अच्छा कर सकता है, जैसे पिछले मैच में शुभम को खिलाया था, इस मैच में भवानी को खिलाया है, पुणे नहीं साथ अजीत को नहीं खिलाया था, वो कोच डिसाइड करते हैं, टीम के प्लानिंग होती है दूसरी टीम को देखकर कि कौन सा काम पर उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके हिसाब से खिलाते हैं। टीम ने आज अच्छा किया, डिफेंस में भी काफ़ी अच्छा किया, और रेडिंग में भी भवानी ने अजीत ने बहुत अच्छे स्कोर किया, और अर्जुन तो है ही अब तक लीग के टॉप रेडर चल रहे हैं, और आशा करता हूँ कि जब फाइनल होगा तब भी बेस्ट रेडर ही रहेंगे, और टीम के जितने बाहर हैं वो भी अच्छे प्लेयर हैं, जब मौका आएगा भी लीग बाकी है, जब मौका आएगा टीम को जरूरत होगी कुछ सा बताएंगे उस हिसाब से उनको भी खिलाएंगे। एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू।